मॉडल आमना इलियास ने तमाम हदें क्रॉस कर दी। पॉश लिबास के बाद सरेआम शराब की फरोख का काम भी शुरू कर दिया। में शोबिज इंडस्ट्री में नाम पैदा करने वाली आमना इलियास अपने बोल्ड लिबास और बेबाक बयानात की वजह से जानी जाती हैं, जिसकी वजह से 17 साल की उम्र में करियर का आगाज करने वाली मॉडल को शदीद तनकीद का भी सामना रहता था, मगर वो फिर भी बाज नहीं आती और नीम बरहना लिबास पहनकर मॉडलिंग करना अपना फर्ज समझती हैं। मगर अब की बार आमना इलियास ने बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदें तोड़ डाली और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी है कि जिसका एक मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सांवले रंग की वजह से माजी में रिजेक्ट होने वाली आमना इलियास के इंस्टाग्राम पर उनके वाहियात और बेहुदा फोटोशूट की भरमार है, जिससे उनकी बेबाकी का अंदाजा होता है। मगर उनकी नई तस्वीर और उसके कैप्शन ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया है। आमना इलियास ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर पोस्ट की है। अदाकारा की तस्वीर शेयर करते ही सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। इन तस्वीर में अदाकारा आमना ने गैर मुनासिब और मगरबी लिबास रिप्सन किया हुआ है और उन्होंने हाथ में एक ग्लास थाम रखा है, जिसको देखते ही ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये कौन सा मशरूब है। अपने बेबाकाना बयानात के बायस मशहूर अदाकारा ने सिर्फ इस पर ही बस नहीं की, बल्कि अपनी बोल्ड तस्वीरों पर कैप्शन में भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पैगाम में कहा कि अगर कोई शख्स शराब पीकर आपको पैगाम भेजे तो उसकी तारीफ करें। इस पैगाम में अदाकारा आमना इलियास ने मजीद कहा कि मैं नोशी के बाद भी कोई आपके बारे में सोचे तो उसको सराहें। इस बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन आग बगोला हो गए और मॉडल को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया। सार्फिन ने अदाकारा पर इल्जाम आयद किया कि वो सरेआम शराब को फरोग दे रही हैं। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि सोशल मीडिया पर इस किस्म के पैगाम नशर करने पर पाबंदी होनी चाहिए। कई सार्फिन ने लिखा कि पैसे की चमक ने हलाल हराम की तमीज खत्म कर दी है। अदाकारा आमना इलियास सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और अपनी तस्वीरों के अलावा फनी वीडियो भी पोस्ट करती रहती है। उनकी कई वीडियोज मदाहों को खूब पसंद आई, जबकि कई वीडियोस पर उनको तनकीद का भी सामना रहता है। अदाकारी के अलावा आमना इलियास बेबाक बयानात की वजह से भी जानी जाती हैं। अदाकारा आमना इलियास का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जिनको उनकी सांवली रंगत की वजह से करियर के आगाज में तनकीद का सामना करना पड़ा। इसलिए वो इस बॉडी शेमिंग और जिस्मानी रंगत के बारे में खुलकर बात करती हैं और रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इश्तहारात में काम करने से इज्तनाब करती हैं। आमना के मुताबिक करियर के शुरू में खुद को इस एहसास से कमतरी से दूर रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्हें यकीन था कि उनकी जिल्द की रंगत भी खूबसूरत है, इसलिए जब 2015 में मुझे बेहतरीन मॉडल का लक्स स्टाइल अवार्ड मिला तो मैंने वही कहा कि ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो कहते थे कि ये काली या सांवली है और खूबसूरती के इस कारोबार में इसका क्या होगा। आमना इलियास ने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया और कम उम्र में ही रैंप पर वॉक करके खुद को मनवाया। मॉडलिंग की दुनिया में नाम बनाने के बाद आमना इलियास टीवी कमर्शियल्स में भी दिखाई दी, जिसके बाद हैरान कुन तौर पर उन्होंने छोटी स्क्रीन से कबल बड़ी स्क्रीन पर भी अदाकारी की और उनकी पहली फिल्म भाग 2013 में रिलीज हुई। आमना इलियास ने मॉडलिंग की दुनिया में 17 साल की उम्र में कदम रखा। उन्होंने जिंदा भाग, गुड मॉर्निंग कराची, सात दिन, मोहब्बतिन और बाजी समेत दीगर फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। आमना इलियास ड्रामा एक झूठा लफ्ज मोहब्बत से छोटी स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। इससे पहले वो जन्म जली, कफारा और तांका झांकी ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। अगर निजी जिंदगी की बात की जाए तो आमना इलियास की थिएटर आर्टिस्ट दावर महमूद से अफेयर और मुबैना तौर पर शादी की खबरें भी सामने आ चुकी हैं।